लगभग 35 साल से यूनियन में हूँ और यूनियन को मैंने खुद अपने हाथ से अकेले ने बनाई थी, और आज वह दिल्ली के हर कोने कोने में इसकी जड़ें जम चुकी है। मैं 31/7/2017 को सेवानिवृत्त हो गया, लेकिन फिर भी दिल्ली के SC और ST जो हजारों में, उन्होंने उनका प्यार और सम्मान इतना है कि जब उन्होंने मेरा रिटायरमेंट का फंक्शन किया तो हजारों टीचर्स ने मुझे ही एज इट इज सुप्रीमो रख लिया। तो मैंने कहा मैं आपके साथ रहूँगा, लेकिन चूंकि बनी सिंह मीणा जी आज एक बहुत उभरते हुए सितारे हैं, मैं सोचता हूँ जब देश में युवाओं को आगे ला रहे हैं तो मैं भी क्यों ना इन युवाओं को आगे लेकर के आऊँ। मेरा हाथ इनके ऊपर रहेगा सदैव, मैं इनके पीछे हूँ। मैं स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन का लीडर हूँ और यहाँ पर हमारे आदरणीय सुप्रीमो श्री रामकृष्ण पूनिया जी, जो कि एक बहुत ही कर्मठ शिक्षक संघ के संचालक हैं, इन्होंने मुझे सूचना दी कि यहाँ प्रोग्राम हो रहा है। मुझे रहा नहीं गया, क्योंकि मैं भले ही स्वास्थ्य कर्मचारी हूँ लेकिन जितने भी समस्याएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य में हो, फाइनेंस में हो, डिफेंस में हो, या टीचर के साथ हो, जिसके साथ भी ये समस्याएं हैं, समस्याएं लगभग सेम हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा आरक्षण जो है वो ढंग से कहीं भी लागू नहीं किया। जब से स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई है, जब से यह आरक्षण का प्रावधान संविधान में रखा गया है, आज तक ढंग से नहीं रखा गया। तो जब ढंग से ये संचालित ही नहीं होगा, ढंग से ये मतलब आज तक इस पर पूरी पोस्टिंग ही नहीं हुई, तो नेचुरली मुझसे भी रहा नहीं गया और मैं टीचरों का साथ देने के लिए मैं आया हूँ। हाँ, ये खबर भी मुझे मिली थी, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और मैं बहुत आहत हूँ। इसके लिए हमारी यूनियन आंदोलन की ओर अग्रसर हो सकती है और उनसे संपर्क भी किया जाएगा, और इस बारे में हम सोच रहे हैं कि हम क्या करें आगे। हाँ, जैसे जब से चाइना आया है यूज एंड थ्रो, ऐसे ही भारत के अंदर जो हमारे राजनीतिक हैं, इन्होंने भी कर्मचारियों का शोषण करना शुरू कर दिया, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट बंद कर दिया। तो अब नेचुरली है कि जो हमारे कर्मचारी हैं वो ठेके पे लिए जाएंगे, ठेके पे इसलिए लिए जाते हैं ताकि वक्त अनुसार उनको यूज एंड थ्रो।